हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, जानते हैं हम सभी बहुत सारी अप्रिसिएशन चाहते हैं, लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें लाइक करें। लेकिन जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो हमें से बहुत सारे लोग जो हैं उसे बहुत ऑकवर्ड तरीके से लेते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये इंसान शायद झूठ बोल रहा है, या ये सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसका कोई ना कोई मतलब छुपा होगा। तो इन सब चीज़ों में अगर आप अटक जाते हैं और आप थैंक यू बोल करके अप्रिसिएशन को वेलकम नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स आप ज़िंदगी में अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है, और जो भी मिले, जैसा भी मिले, जितना भी मिले, उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो ज़िंदगी में और मिलेगा, यानी और अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आज हम देखेंगे, ये रीडिंग आज जो है ये आपको ये बताएगी कि आप ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए थैंकफुल होने वाले हैं, और ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पाइल्स हैं और मेरे 4 आउल्स आज बाहर आ चुके हैं। आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 1 है येलो आउल, पाइल नंबर 2 है रेड आउल, पाइल नंबर 3 है वाइट, एंड पाइल नंबर 4 है ग्रीन। और हम स्टार्ट करते हैं येलो आउल से। सो वेलकम फ्रेंड्स जिन्होंने येलो आउल चूज किया है, और आप देख सकते हैं अपने कार्ड्स आप किस चीज के लिए थैंकफुल रहने वाले हैं। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, वाओ, दोनों किंग्स आपके लिए आए हैं, और ये ऐसे लग रहा है मानो आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको बहुत फुलफिल करने वाली है। आपको, आपके लिए स्टेबिलिटी भी लेकर के आ रही है, और आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट भी लेकर आ रही है। आपके लिए एक ऐसा ऑफर आ रहा है जो बहुत ही आपको आपको बहुत स्ट्रेंथ देने वाला है। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है बहुतों के लिए, जैसे ये एक किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लेकर के कोई आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए, और इसके लिए आप बहुत थैंकफुल रहने वाले हैं। देखिए, हमारा वही है हमारा आज का क्वेश्चन कि हम किस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल रहने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए आप खुद की ही एनर्जी में इतने स्ट्रॉन्ग, और इतने अपनी ज़िंदगी में अभी जो भी चल रहा हो आप बहुत स्ट्रेंथ को एक्वायर कर रहे हैं, और इमोशनल बैलेंस को एक्वायर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप बहुत थैंकफुल रहेंगे। आप जो इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स, वो अब कम हो जाएगी, ठीक है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने आप में बैलेंस्ड फील करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, और आप अपने लिए एक स्टैंड ले पाएंगे, जो अब तक नहीं ले पा रहे थे। और इन चीज़ों के लिए, अपने खुद की स्ट्रेंथ के लिए, अपने खुद के बैलेंस के लिए, अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करने के लिए एक तरह से आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहने वाले हैं, और आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करने वाले हैं। तो जिनके लिए कोई और आ रहा है ये सारी चीज़ों को लेकर के, और आपको वो दे रहा है एज ए गिफ्ट, आपको मिल रही है ये स्ट्रेंथ, मिल रही है इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है, तो उनको तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और अगर आपको खुद के लिए जैसे ये आ रहा है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, बिकॉज जब आप खुद उस एनर्जी में आते हैं तब आप ज़िंदगी को सही मायने में समझ पाते हैं, और फिर उसी अबंडेंस को, और ज़्यादा स्ट्रेंथ को, और ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट को आप दूसरों से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी ब्लेसिंग्स, या आप जिसके लिए थैंकफुल रहने वाले हैं। और हम चलते हैं अपने सेकेंड पाइल की तरफ। वाओ, वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने रेड आउल चूज किया है। और आप देख सकते हैं रेड जो होता है हमारे रूट चक्रा का कलर है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारे पास मेजर अर्काना कार्ड आया है द टावर, और नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हो रहा है, जिसके लिए जैसे आप
कि अंदर शायद वो स्ट्रेंथ नहीं थी या आप खुद से कोई चीज़ नहीं कर पा रहे थे जिसमें अब डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। और ये डिवाइन इंटरवेंशन जो है ये बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है। और टू ऑफ वॉन्ट्स, जैसे आप बहुत मजबूर हो जाएंगे कोई डिसीशन लेने के लिए, या फिर एक तरह से जिन चीज़ों के लिए आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो अब आप बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो ये जैसे टावर का जो कार्ड है यहाँ पर, ये जो आपके लिए बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, यहाँ पर कोई हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव, जैसे कुछ पीछे छूट करके। और क्योंकि जब भी कोई मेजर शिफ्ट आता है, जब भी टावर का कार्ड आता है तो कुछ एंड होता है, कुछ ना कुछ जैसे एक अनएक्सपेक्टेड चेंज को लेकर के आता है और कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन याद रखिए, जब भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, जब भी कुछ कैओस होता है, तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन भी होती है। और यही आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि आप खुद से शायद नहीं कर पा रहे थे तो डिवाइन इंटरवेंशन से ये होने वाला है। और ये जो होगा इसके लिए आप बहुत थैंकफुल होंगे, क्योंकि जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, जो डिसीशन आप नहीं ले पा रहे थे, या किसी रास्ते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हो सकता आप किसी सिटी में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, आप कहीं आगे नहीं जा पा रहे थे, आप ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे थे, आई डोंट नो, कुछ भी ये मेजर शिफ्ट हो सकता है, तो वो अब आप कर पाएंगे और उसके लिए आप बहुत थैंकफुल भी रहेंगे। तो इनफैक्ट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होने वाला है, जो सक्सेस की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे लाइफ में, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद, इस अनएक्सपेक्टेड चेंज के बाद आप उसे ले पाएंगे। तो जिस चीज़ से आप डर रहे थे वो अब आपके सामने आ जाएगी और आपका डर चला जाएगा। वाओ, बहुत ही ब्यूटिफुल। आई थिंक आप जो काम नहीं कर पा रहे थे वो डिवाइन आपके लिए करने वाले हैं। तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स पाइल नंबर टू। एंड हम चलते हैं पाइल नंबर थ्री, यानी वाइट आउल की तरफ। सो वेलकम पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने वाइट आउल चूज किया है। और इसके लिए हमारे तीन कार्ड्स निकल कर आए हैं, द हर्मिट, जो फिर एक बार मेजर आर्काना कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर इससे बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल होने वाले हैं। देखिए, आप बहुत वक्त आपने अकेले गुजारा है, आपने बहुत इनर विजडम को एक्वायर किया है और एक तरह से आप आइसोलेशन में काफ़ी वक्त रहे हैं, लोनली रहे हैं, अपनी हीलिंग की है, आपने अपने ऊपर काम किया है। और इसके लिए जैसे एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए, कुछ ऐसा सक्सेस की तरफ अब आप मूव करने वाले हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को आप क्रिएट करने वाले हैं, कोई ऐसी नई शुरुआत आप करेंगे, कोई नए गोल्स की तरफ आप जाएंगे और आपका फोकस जो है ज़िंदगी का इस वक्त, जो खुद से हट करके अब अपने काम की तरफ जा सकता है। यहाँ पर बहुत हद तक ये पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ऐसा ही लग रहा है, जैसे आप जो काम करना चाहते हैं, जो अब आपका प्यूरिफाइंग प्रोसेस जो अब हो चुका है, आप पूरी तरह से प्यूरिफाई हो चुके हैं, पूरी तरह से आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और अब आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। और ये नई शुरुआत ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ काम को लेकर के हो, लेकिन बहुतों के लिए ये काम को लेकर के होगी। और आप जो है अपनी सोल फैमिली से मिलेंगे, आप पार्टनरशिप्स में जाएंगे, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पर, आपको हेल्प करेगा आपकी चीज़ों को बढ़ाने में, यानी और ज़्यादा आपको सक्सेस देने में, और ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाने में आपको हेल्प मिलने वाली है। और ये हेल्प आपको कोई न्यू पार्टनर से मिल सकती है, फ्रेंड से मिल सकती है, कोई लव इंटरेस्ट से मिल सकती है, कुछ ऐसा जो आपको सोसाइटी में एक बहुत ब्यूटीफुल स्टैंडिंग देने वाला है। और आप जब कोलैबोरेट करके काम करेंगे, जो आपको सपोर्ट मिल रही है,
तब आप देखेंगे कि आप बहुत नई चीज़ों को क्रिएट करेंगे और सम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके जो भी गिफ्ट्स हैं जिसको आप स्टार्ट करने वाले हैं, आप कुछ नया क्रिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपकी गिफ्ट्स जो हैं अब मल्टीप्लाई होने वाले हैं, आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होने वाली है, आपकी सक्सेस जो है वो मल्टीप्लाई होने वाली है, जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल रहने वाले हैं। तो लोनलीनेस से, आइसोलेशन से आप निकल करके आप जैसे बहुत हैप्पी टाइम्स में आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने जितने विजडम को आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा अपने गिफ्ट्स को ग्रो करेंगे। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बहुत ही वाइज सोल हैं, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं। अगर आपने आइसोलेशन में टाइम नहीं गुजारा है, अगर आप किसी अपने स्ट्रेंथ्स को लेकर अब मास्टर की तरह फील नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, तो आप कोई और पाइल चेक कर सकते हैं। और तो ये थी आपकी रीडिंग वाइट आउल वालों की, एंड थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं ग्रीन आउल की तरफ। सो वेलकम पाइल नंबर 4, जिन्होंने ग्रीन आउल चूज किया है। और ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है फ्रेंड्स, कि अभी तक अगर आप किसी से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, किसी से डिस्टेंस फील कर रहे थे, आपको लग रहा था आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है लाइफ में, या फिर कोई आपसे दूर चला गया है और आप उसे मिस कर रहे हैं, तो जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, एक बार फिर से वो कनेक्शन रीस्टोर होने वाला है और आप जो है ना उसके लिए बहुत थैंकफुल फील करने वाले हैं। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को जैसे वो जो फुलफिलमेंट है वो खुद के साथ मिलने वाली है। आप खुद अपने अंदर जो है उस एबंडेंस को फील करने वाले हैं, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, या अपनी सोल सर्चिंग करेंगे और अपने अंदर ही जैसे उस फुलफिलमेंट को आप फील करेंगे, और ज़्यादा बैलेंस में आएंगे आप। और जो भी आपकी परेशानी थी, अगर आप उदास थे किसी चीज़ को लेकर के, कोई आपसे दूर चला गया था, तो अब वो ख़त्म होगा। अब आप जैसे बहुत ही पीसफुल एक मैजिकल मोमेंट में आप आ रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल होंगे। फ्रेंड्स, आप एक न्यू विजडम को एक्वायर कर रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, कोई नई नॉलेज, कोई नया ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, जो आपको दोबारा से उस कनेक्शन को रिस्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। तो जो भी यहाँ पर मिस हो गया था, जो भी दूर चला गया था, तो वो अब आपके करीब आ रहा है। और सबसे मज़े की बात ये है फ्रेंड्स, कि वो कभी दूर गया ही नहीं था, वो कभी भी आपसे दूर नहीं था, वो हमेशा आपके साथ ही था, और आपने अकेलेपन में भी उसको फील किया है। तो एबंडेंस जैसे कहते हैं, अगर हम सिर्फ एबंडेंस देखें या कोई रिलेशनशिप देखें यहाँ पर फ्रेंड्स, तो कोई भी चीज़ हमसे अलग नहीं है। जैसा रिश्ता हमारा खुद के साथ होता है, वैसा ही रिश्ता हम बाहर एक्सपीरियंस करते हैं। हर रिश्ते हमें मिरर करते हैं और हमें कुछ ना कुछ याद दिलाते हैं। तो अगर आपने किसी चीज़ को मिस किया है या ये सोचा है कि वो आपसे दूर चली गई है, तो कहीं ना कहीं आप खुद से दूर चले गए थे। तो जैसे ही आप खुद के पास आ रहे हैं और ज़्यादा अपनी सोल के करीब आ रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हैं, तो आपका ये डिस्टेंस भी ख़त्म हो रहा है। और जिस चीज़ के लिए आप उदास थे, तो अब उसके लिए आप फुलफिल्ड फील करने वाले हैं, और बहुत शांत, बहुत पीसफुल आप हो जाएंगे, और इसके लिए आप बहुत थैंकफुल भी रहेंगे। तो ये थे आपकी रीडिंग्स फ्रेंड्स। आप किस टॉपिक पर रीडिंग्स चाहते हैं मेरे साथ, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।